नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नल पर। स्वागत करता हूँ सभी। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जानकारी के साथ। ऐसे लोगों पर तंत्र मंत्र जल्दी होता है, यानी कि तंत्र मंत्र की जो क्रिया है जल्दी असर करती है। उनमें से कौन कौन से लोग होते हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। निवेदन रहता है चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइबर पहले पर क्लिक जरूर करना, लाइव स्ट्रीमिंग जरूर जुड़ना, सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर फ्री दिए जाते हैं, अदरवाइज मेरी सारी सर्विस पेड है। कौन कौन से लोग होते हैं जिनके ऊपर तंत्रिक क्रिया जल्दी प्रहार करती है, तंत्र जल्दी चलता है? देखो, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कुछ नियमों की आपको पालना करनी पड़ती है। अगर आप वो नियम तोड़ते हो तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया जल्दी से काम करती है। तांत्रिक क्रिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि उसमें आपके ऊपर जो है वो हमेशा नेगेटिव चीज। यहाँ पे तंत्र मीन ये होता है कि तंत्र में जितनी भी तामसिक, चाहे वो भूत प्रेत है, चाहे जिन जुला चढ़ेल है, या उसके अलावा कोई तामसिक, वो बोलते हैं सिद्धियाँ हैं, उन सभी सिद्धियों का किसी भी पंथ से हो, वो हर एक जो बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति आपके ऊपर करता है उनमें से किसी भी पंथ या हर एक व्यक्ति ने जो आपके ऊपर तंत्र करा वो इल्म आपके ऊपर कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक चीज़ हावी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो 10 चीज़ें खींच लाती है, चाहे वो शमशान की हो, चाहे वो चरस्ते की चीज़ हो, चाहे वो फिर किसी वो बोलते हैं जल की चीज़ हो, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। जो लोग मैं आपको बता दूं, सिम्टम्स तो जो है वो अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे मांस और मदरा जो लोग पीते हैं उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया जल्दी असर करती है, खासकर तामसिक क्रिया। तामसिक क्रिया कैसे, जैसे कि किसी व्यक्ति अगर दारू पीता है, वो मीट खाता है, रास्ते में कुछ होता है, कई कंडीशन में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, पुरानी जैसे स्टोरियाँ सुनते हैं कि कुछ चीज़ें पीछे से लग के चल जाती हैं, पर ये चीज़ें अलग हैं कि मांस मदरा लेके निकलती हो तो शमशान से गुजर रही हो तभी, वो स्टोरियों में ही होता है। जनरल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ पुराने समय में ज़रूर होती है कि अब उसके केस इतने नहीं आते। अब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ, आपके साथ, जैसे कोई थोड़ा बहुत भक्ति करता है, कोई तांत्रिक क्रिया ऐसे दुनिया जानती है, आपको पता नहीं लगता है, आप जब उनके साथ बैठ के भोजन करते हो तामसिक चीज़, तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति कुछ तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए, जैसे दारू अपने हाथ से आपको दे रहे हैं या आपको चिकन वगैरह दे रहे हैं, इस कंडीशन में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के ऊपर ये असर करता है। तो जो लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं और परमात्मा का नाम तक नहीं लेते, नास्तिक बोल सकते हैं हम इन लोगों को, जो खा भी ना बत्ती करते हैं, ना ज्योत बत्ती करते हैं, ना मंदिर में जाते तीर्थ स्थान पे, और ये लोग सोते ज़्यादा हैं, खुद को गंदा भी ज़्यादा रखते हैं, यानी कि सुबह नहाने के टाइम नहीं नहाना है, रात को नहाना है, उल्टे पुल्टे कार्य करना, बहुत ना गंदी मंदी चीज़ें खाना, ऐसे लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया जल्दी प्रहार करती है। तीन मेरे चैनल है, गुरु अपना शुभ गुरु क्षण, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेलो को गुरु नहीं है, किसी के चांस से मत फंसना। एक मेरा व्हाट्सअप का नंबर है स्क्रीन पे है 9891595270, अदरवाइज आप मेरे को कॉल भी फॉरअप कर तो कॉल कर सकते हो। मेरे साथ बात करने का खर्चा भाई 1150 रुपये लगने हैं, और किसी भी मंत्र साधना के लिए अरदास करवाते हो 2550 ही लगने हैं। किसी के ऊपर तंत्र होना ये आप के ही नियम होते हैं, आप उन नियमों से दायरे से बाहर होते हैं, इसलिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया काम कर जाती है। ये चीज़ जो लोग ड्रॉप करके चलते हैं उनके ऊपर तंत्र असंभव हो जाता है, जो देवता को मानते। चैनल सभी सब्सक्राइब।